बहुत ही सिंपल वे में बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कोई तामझाम इसमें नहीं होगा, बिल्कुल स्वीट एंड शॉर्ट जिसे कहते हैं ना, बस वही होने वाला है। ये आप अपने घर में जल्दी क्विक से ये बनाने वाली रेसिपीज़ हैं कि कोई भी जब आपके घर में आ जाता है, और फेस्टिव सीजन्स भी चल रहे हैं, बीच में शादियां हैं और दिवाली वगैरह हो गई है, अब क्रिसमस आने वाला है, तो हमारा एक देश ऐसा है ना कि जहाँ पर फेस्टिवल्स जो है वो होते रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके रखे हैं गाजर, पूरे मैंने लिया है 1 kg। नहीं जी, हम इतना नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी आस पड़ोस वालों को भी देना पड़ता है। इसके लिए मैंने गाजर को धोकर, अच्छी तरीके से धोकर, और इसको मैंने जो है वो ग्रेट किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है एक बड़ा कटोरी चीनी, यहाँ पर है अमूल दूध, 1/2 लीटर का अमूल दूध है। ये मैं पूरा नहीं डालूंगी, आप देखते रहिए कि किस तरीके से मैं करूंगी, मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद मैंने लिया है देसी घी, और मेरे घर में एक्चुअली सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो खत्म हैं, तो अब जितने मेरे पास है मैं उसी से काम चलाऊंगी। ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो रोस्टेड, ये सॉल्टेड वो है, पिस्ता है, यहाँ पर है कुछ किशमिश, क्योंकि मैं किशमिश ज्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर 15 से 20 जो है वो मैंने इलायची ली है, तो ज्यादा इसको मैंने फ्लेवर भी नहीं मतलब करना है ज्यादा, उसमें माइल्ड सी एक खुशबू रहेगी इलायची की, और बस इतने में ही हमारा गाजर का हलवा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और उसके लिए बनाने के लिए चाहिए हमें कुकर, मैं कुकर में बनाऊंगी। और देखिए जी, ये मेरी सबकी होती है मॉर्निंग चाय, तो मेरी है मॉर्निंग कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुकी हूँ, तो मुझे जो है ना एक पैनिक अटैक आते रहते हैं जब तक मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ। तो फ्रेंड्स चलिए बताती हूँ मैं आपको कैसे कैसे क्या करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले कुकर जो है मैंने यहाँ पर हीट करके रखा है, अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, ना इसमें हम घी डालेंगे, ना ही हम इसमें कुछ डालेंगे, हम इसमें गाजर जो है ये देखिए, मैं इसमें डायरेक्ट गाजर जो है वो डाल रही हूं। तो फ्रेंड्स आज संडे भी है, और संडे के दिन बहुत कुछ जो है इंसान के पास टाइम होता है, एक्चुअली मेरे पास टाइम ज्यादा होता नहीं है कि मैं घर में रहूँ, इसलिए जो मेरी जो वीडियो जो है वो काफी टाइम से नहीं आ रही थी। अब देखिए आज संडे है, आज बहुत कुछ करना होता है, लेकिन आज इतना लेजी मैं लग रही है कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है, लेकिन हाँ मीठा खाने का मन बहुत हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास अच्छे वाले गाजर मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैं उसी को जो है वो यूज़ कर रही हूँ। मैंने लाया था एक्चुअली सब्जी के लिए, बट कुछ मीठा खाने का मन था तो मैंने सोचा कि मैं गाजर का हलवा बनाया जाए। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो है गाजर कुकर में मैंने डाल दिया है, इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही देखिए, थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। सॉरी आज मेरा कैमरा मैन नहीं है, तो इसलिए मुझे ये होल्ड करना पड़ रहा है, होप आपको दिख रहा होगा। हाँ मैंने अभी इसमें ना ऑयल डाला ना कुछ डाला है, बस मैंने खाली गाजर को जो है चढ़ा दिया है। मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी कोल्ड ड्रिंक का इजाद किया है उसके लिए तो मैं बोलती हूँ हैट्स ऑफ है, क्या चीज़ बनाई कोल्ड ड्रिंक भी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ गाजर मैंने डाला है, और गाजर जो है वो अब लो टू मीडियम जो फ्लेम है इस पर पक रहा है, और इसमें हमने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, इसी का जो पानी निकलेगा उसके साथ जो है हम फिर जो चीज़ें मैं जैसे डालूंगी वैसे मैं आपको बताऊंगी। कि मैंने इलायची ली थी, इलायची को मैं साबुत ही पीस रही हूँ छिलके के साथ, क्योंकि दूध वाला कोई आइटम नहीं है तो इसमें इलायची विद कवर चलेगी। अब इसमें मैं जो है इसको पीसने का सिंपल तरीका है, मिक्सी में मैंने इसमें जो है 1/2 कप जो है मैंने इसमें शक्कर डाल दी है, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसका जो हल्का सा मैंने इसको इसलिए रखा था कि पानी अगर इसमें होगा तो थोड़ा सा वो खत्म हो जाएगा, तो अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, गाजर तो रसीले थे लेकिन पानी, अब इसमें मैंने इसको ड्राई कर दिया है, जो 2-3 मिनट तक मैंने इसको ढककर पकाया है, और गाजर की जो हलवे की जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो अभी से आने लगी है, क्योंकि ये गाजर जो थे अपने आप में खुद मीठे गाजर थे ये। अब इसके बाद मैं इसमें जो है किस तरीके से हमारा जो फाइन पेस्ट सॉरी पाउडर बन गया है इलायची पाउडर, तो उसमें मैं इसको ऐड कर रही हूँ।
और बहुत अच्छी खुशबू इलायची की, क्योंकि अगर जितना हम इसको जो है छील कर अगर हम इसको ग्राइंड करते हैं या कूटते हैं तो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस नहीं आती जितनी इसके छिलके समेत जो है वो खुशबू आती है। तो ये जो मेरा हलवा है ये गरीबों के लिए भी है, गरीब लोग भी इसको बना सकते हैं। मैं भी कोई इतनी अमीर नहीं हूँ, मैं भी गरीबी हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही कुछ डिशेज लेके आती हूँ कि हर कोई जो है इसको इंजॉय कर सके। क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल महंगाई कितनी हो गई है, जितने में मैंने ये पूरा गाजर का हलवा इतने लोगों के लिए बना देना है, तो जो गाजर का हलवा बाहर हलवाई की दुकान पर जो मिलता है वो अभी जो है उसका प्राइस है 250 रुपया या 300 रुपये किलो। तो थोड़ा सा मुंह को मतलब टेस्ट करने के लिए हम इतने पैसे तो नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे गाजर बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है, अब इसमें मैंने कुछ नहीं डालना है, घी जो है वो मैं एंड पे डालूंगी। और अभी मेरे पास जो चीनी है ये मैं इसमें से हाफ डाल रही हूँ क्योंकि ज्यादा मीठा ना हो जाए, तो मैं थोड़ा सा इसमें चीनी रख रही हूँ, बाद में मैं देखूंगी। मतलब ये कि अगर 1 किलो गाजर आपके पास है तो कम से कम आप 1.5 किलो चीनी रखिए, फिर आपके हिसाब से है कि वो चीनी आपको कितनी मतलब आप कितना मीठा खाते हो। अगर आप कम मीठा खाते हो तो फिर आपको 1.5 किलो चीनी भी नहीं लगेगी, उससे कम लगेगी। 200 ग्राम चीनी का आपने कम से कम वो रखना है, मेजर रखना है। और अगर कोई अगर शुगर फ्री हलवा खाना चाहता है तो ये जो है पूरा हलवा बनाकर जिस तरीके से हम बना रहे हैं, इस तरीके से पूरा हलवा बनाने के बाद जो जब हलवा गर्म होता है तो उसमें आप शुगर फ्री जो पाउडर होता है मिलता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स देखिए मेरा हलवा माशाल्लाह, अभी इसे मुझे तो खाने का मन कर रहा है लेकिन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अब जो है मैं अब इसमें दूध डाल रही हूँ, ये 1/2 लीटर दूध है लेकिन 1/2 लीटर मैं पूरा नहीं ले रही हूँ, इसमें से दूध मैंने निकाल दिया है। 1/2 लीटर में से मैं आधा ही जो डब्बा है वो ले रही हूँ, मतलब मैं 1/2 लीटर दूध मैंने इसमें लिया। आप इसमें थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है इनहेंस करने के लिए आप इसमें जो अमूल का जो सॉरी एवरीडे का जो पाउडर मिल्क पाउडर जो आता है आप उसको भी ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब अपना जो हलवा है उसका स्वाद और उसकी जो रिचनेस है उसको बढ़ाने के लिए आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए मैंने दूध डाल दिया है और शुगर के साथ साथ मैं सिर्फ 1 पिंच इसमें नमक डालूंगी, 1 पिंच ओनली, 1 पिंच। ये जस्ट इसका जो गाजर में भी स्वीटनेस है, मैंने इसमें चीनी भी ऐड की है और इसको जो है ज्यादा मीठा मीठा मतलब इसका जो स्वाद है उसको थोड़ा सा जो है कम करने के लिए जो मैंने नमक डाला है इससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दूध भी डाल दिया है और चीनी भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है और इसमें मैंने इलायची का जो पाउडर मैंने बनाया था विथ शुगर वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है तो साइड साइड से जो है वो अच्छी तरीके से निकाल ले वरना ये जलने का थोड़ा सा रह जाता है खतरा कि साइड वाला जो गाजर है वो जल ना जाए। तो फ्रेंड्स ये हो गया, अब मैं इसको ज्यादा नहीं पकाने वाली हूँ, अब मैं डायरेक्ट जो है इसमें सीटी लगाऊंगी, मैं इसको बंद करके कम से कम मैं इसमें 2 या 3 सीटी मैं इसको दूंगी। इससे क्या होता है सीटी से मतलब मैंने ढक्कन इसलिए बंद किया क्योंकि जो हमारा टाइम वेस्ट होता है गाजर को पकाने में, क्योंकि कोई भी हलवा हो जब तक वो अच्छे से फ्लेम पे पके ना तब तक उसका जो है वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने आपने देखा कि मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला है, दूध भी मैंने इसमें कम से कम आधे का आधा डाला है, तो उस हिसाब से ये 3 सीटी में जो है ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब तक मेरा गाजर का हलवा ऑन द वे है तब तक मैं थोड़ी सी मैगी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ क्योंकि आज संडे है। फ्रेंड्स देखिए ये मैंने 3 सीटी जो है इसकी हो गई है और आप देख सकते हैं गाजर बिल्कुल जो है मुलायम हो गए हैं, बिल्कुल नरम हो गए। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो है पानी है तो इसी को हम थोड़ा सा ये पानी जब तक सोख नहीं होता इसको हम चलाएंगे फास्ट फ्लेम पे। और उसी के साथ साथ आप यहाँ देखिए कि मैं जो है वो मैगी बनाने जा रही थी तो इसमें मैंने प्याज पहले अच्छी तरीके से भून ली है, अब इसमें डाल दिए मैंने टमाटर और अब इसमें मैं डालूंगी जो मैगी में जो मसाला होता है वो मसाला मैं डाल रही हूँ। मैगी को आप अपने तरीके से बना सकते हो, इसमें आपको अगर पसंद है तो आप अंडा भी डाल दो उसके अंदर या फिर अगर सब्जी कोई आपके पास में जैसे मटर गाजर या आलू वगैरह की जो सब्जी होती है आप वो भी, जैसे रात की आपके पास सब्जी बच गई है तो मैगी के साथ में मतलब इसको मिक्स करके आप एक नई डिश बना सकते हो।
तो मैंने 5 मैगी के पैकेट्स लिए थे। क्योंकि मैगी मुझे अपने तरीके से खाना पसंद है। इंसान चाहे जैसा भी बनाए, जैसा भी खाए, लेकिन उसका दिल खुश होना चाहिए। अगर उसका दिल खुश होता है तो एक खाना एक ऐसी चीज है ना कि इंसान को कहते हैं ना कि उसकी मिजाज का पता चलता है खाने के ऊपर से। जो खाना है एक उसकी पहचान बन जाता है। जैसे कोई होता है जिसको बहुत ज्यादा मसाले मिर्च पसंद होते हैं तो वो उस हिसाब से बना ले। जैसे कि मेरे को जो है वो हर एक डिश में थोड़ा सा अपना जो है ऐड करने की थोड़ी सी मुझे आदत है, तो मैं हर चीज में जो है वो मैं अपना एक स्टाइल लेकर आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे मैगी मसाला डाल दिया है, अब मैं थोड़ी सी जो है इसमें चिली पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक। क्योंकि मैगी मसाला में उतना नमक होता नहीं है, हमें ऊपर से ऐड करना ही पड़ता है। तो ये देखिए, ये मैंने बस थोड़ा सा जायके के लिए मैंने नमक डाल दिया है। और अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास कोई रात की सब्जी बची है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये कल रात की जो सब्जी मेरे पास बची थी, मटर और गाजर की मैंने जो सब्जी बनाई थी, वो मेरे पास अभी अवेलेबल मिल गई। तो मैंने इसमें डाल दिया है वो। एक डिश के साथ आपको एक डिश जो है वो फ्री सीखने को मिल रही है। तो अगर ऐसे मुझे कोई सिखाए तो मैं तो कभी ना छोड़ू। मैं हर तरफ से कुछ ना कुछ चीजें जो है मैं वो सीखना पसंद करती हूँ और मैं करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज जो है वो नई करने में, मेरे को बहुत मजा आता है। चाहे वो नई जगह हो जहाँ पर मैं विजिट कर सकूँ, एक्सप्लोर कर सकूँ, और या तो फिर नए दोस्त हो जो मैं बनाना चाहती हूँ, या नई नई डिशेस है, ये मेरी हॉबी है। तो अब इसमें सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, ये मैंने मैगी मसाला है मैजिक जो होता है, जो सब्जी वगैरह में डालते हैं, वो मेरे पास एक पैकेट पड़ा था तो मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। अब आप देखिए मेरी जो मैगी है ये मैंने 5 पैकेट्स लिए थे। लुक एट देयर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 पैकेट्स मैंने लिए थे। तो ये मेरा मसाला जो है ऑलमोस्ट डन। अब इसके बाद जो है मैं इसमें पानी डाल के जो है वो बॉईल लाने तक वेट करूंगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैगी। देखिए अब जैसे मेरी मैगी साथ साथ पक रही है, उस तरीके से मेरा जो हलवा है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन। बस थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा सा पानी रहता है, आप देखिए शायद आपको दिखे, क्योंकि इसकी स्टीम इतनी आ रही है कि मेरा कैमरा भी जो है ब्लर कर रहा है। तो बस मुझे अभी इसको और 5 मिनट पकाने की जरूरत है। तो मैं इसमें अब पानी डाल रही हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि 2 कप पानी डालो या 3 कप पानी डालो, मैगी बस जस्ट थोड़ी सी पकनी चाहिए। तो इसमें मैं 5 मैगी के लिए मैं कम से कम मैंने लिया है 3 ग्लास पानी। तो जब तक ये बॉईल होता है, एक बॉईल आने के बाद मैं इसमें मैगी डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ हमारे गाजर का हलवा जो है ऑलमोस्ट बनके तैयार। इसमें मैंने अब सिर्फ घी डालना है ऊपर से, और थोड़ी देर इसको 2 मिनट पकाने के बाद में मैं इसको उतार दूंगी। और अब ये देखिए, जो ये चीनी बच गई थी मेरे पास थोड़ी सी, मैं वो भी डाल रही हूँ उसके अंदर। क्योंकि मीठा तो बराबर हो गया लेकिन थोड़ी सी चीनी बचती थी तो मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ। तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है। और यहाँ पर मेरी मैगी। तो अगर
ऐसी चीज संडे को मिल जाए तो फिर क्या कहने, सफल हो जाता है हमारा संडे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें मैगी भी डाल दी है। पानी मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं पकाने के बाद कि कितना पानी मुझे और डालना पड़ेगा इसमें। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने बनाया ना, उस तरीके से आप बनाने की कोशिश करें। आपके पास कोई भी सब्जी हो, इनफैक्ट कि आपके पास अगर बचा हुआ चिकन भी होता है जिसकी ग्रेवी खत्म हो जाती है और चिकन बच जाता है, वो भी आप इसमें इस तरीके से मैगी में ऐड कर सकते हैं। भाई देखिए, कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है और पेट पे दुनिया टिकी है। तो जो भी हम करते हैं वो अपने पेट के लिए करते हैं। तो हमें जो है, देखिए कई सारे लोगों के अब कमेंट्स आएंगे और कुछ ये कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ वैसा, मतलब लोग कभी खुश नहीं होते। आप खुश रहना सीखिए, अपनी चीजों को अपने तरीके से एंजॉय कीजिए। आप देखिए, लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। बंदा जो है ना, बेफिक्री से अगर अपनी लाइफ जिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो अब क्या मैं बताऊं कि उस लाइफ का जो है मजा ही कुछ और होता है। तो बातों बातों में जी, मेरा हलवा आप देख सकते हो, पानी बिल्कुल मैंने सुखा दिया है इसका। अब एट द एंड इस मोमेंट पे मैं जो है इसमें देख सकते हैं आप, असली घी, असली तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये शुद्ध घी जो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सिफ्टी का, तो मैंने ये एक चम्मच डाला पहले, अब ये दो चम्मच ये मैंने डाल दिया। अब जी ये हमारा हलवा जो है अब थोड़ा सा अमीर बन गया, पहले गरीब गरीब सा बना था, अब ये असली घी डालने के बाद में जो है ये अमीर बन गया है। तो देखिए, अब घी डालने के बाद जो इसकी थोड़ी सी शक्ल जो है ना वो चेंज हो जाएगी। मेरी मैगी भी तैयार। मेरा बर्तन शायद छोटा पड़ गया है मैगी के लिए, बट इट्स ओके, थोड़ा सा पानी तो इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पहले 3 ग्लास इसमें पानी डाला था, अब 1/2 ग्लास जो है मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी हमारी मैगी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा गाजर का हलवा फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पर मैंने गैस बंद कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, कि आपको कहीं से भी लग रहा है ये कि बाहर के जो हलवाई के पास जो बनता है उससे ये कम है, नहीं जी बिल्कुल नहीं। अब क्या करें, मैं आपको फोन में से खिला तो नहीं सकती हूँ, और दूसरी तरफ मेरी मैगी देखिए आप, ऐसी ये मैगी तो आपको 5-स्टार होटल में भी नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी मैगी बनी है। और आप ट्राई करें और मेरे को बताएं कि कैसे लगी आपको मैगी और गाजर का हलवा, जिसको मैं गरीब गाजर का हलवा बोलती हूँ। अब मैं इसकी, देखिए मैंने कुछ नहीं डाला है इसमें, मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स या ज्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने इसके अंदर। बस अब जो है मैं ऊपर से गार्निश के लिए जो पिस्ता मैंने किया था, पिस्ता, ये देखिए मैंने इसको भी जो है मिक्सी में तो थोड़ा थोड़ा चला लिया है। अब आप देखिए, इसको मैं गार्निश कर रही हूँ पिस्ते से, क्योंकि और तो ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास तो ड्राई फ्रूट बचे नहीं है, सारे खत्म हो गए हैं, तो जो घर में अवेलेबल था मैंने उसी से जो है काम चला लिया, क्योंकि मैं बहुत जुगाड़ू, कहते ना जुगाड़ू बंदा हूं मैं, हर चीज में जुगाड़ लगा ही लेती हूँ। और आप मेरी मैगी देखिए, क्या मैगी है, वाह, अपने खाने की खुद ही तारीफ। तो कोई बात नहीं, कोई नहीं करता तो खुद ही करना चाहिए। अच्छा देखिए, अपने पिस्ते से इसको गार्निश कर दिया है,
किशमिश जैसे कि मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कलरफुल उसको बनाने के लिए ये मैंने किशमिश भी ऐड कर दिया है।